तीन घंटे तक पानी के लिए बिलखती रही डॉक्टर बिटिया, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं पिलाया। कमर की हड्डी को तोड़ा गया। आंख के अंदर जब चश्मे का शीशा धंसा था तो उसे निकालने भी नहीं दिया गया। डॉक्टर बिटिया खून के आंसू रो रही थी। पैर 90 डिग्री तोड़ दिए गए थे, हाथ को पीछे बांध दिया गया था और बालों को खींच खींच कर उसके मुंह पर घुसा मारा जा रहा था। किस दर्द से गुजरी होगी डॉक्टर बिटिया, यह सब सोच करके किसी भी इंसान की रूह कांप उठती है। ऐसे दरिंदगी को फांसी की सजा अगर मिले तो वह भी कम होगा। बता दें कि जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सीबीआई के हवाले से निकलकर आ रही है, उस अपडेट को सुनने के बाद हर इंसान का दिल पसीज गया है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल सब लोग सीसीटीवी के पीछे पड़े थे और सीसीटीवी में कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था। दरअसल सीसीटीवी नहीं बल्कि लैपटॉप में सारा जखीरा रखा हुआ था। जब लैपटॉप को चेक किया गया तो पता चला कि इतना बड़ा कांड किया गया और उस कांड का सारा वीडियो तो लैपटॉप में है। सिर्फ उसी कांड का नहीं बल्कि उसके पहले लगभग 70 कांड ऐसे किए गए जिन कांडों का खुद लाइव फुटेज उस लैपटॉप में पड़ा हुआ है। सीसीटीवी को छोड़िए, मोबाइल को छोड़िए, अब लैपटॉप से जो फुटेज निकल कर आ रहे हैं, जब वह मैं आपको दिखाऊंगा तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो दिल थाम के बैठिए। डॉक्टर बिटिया की दर्दनाक कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा भी। साथ ही साथ उस दरिंदे की लैपटॉप की जो कहानी आपके सामने निकल कर आएगी, वह सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लोगों की नहीं बल्कि पूरे कोलकाता के ऊपर एक सवाल लगाएगी। दरअसल बता दें कि जब संजय रॉय से सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा था कि क्या तुमने यह सब किया था, तो संजय रॉय ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब मैं पहुंचा तब डॉक्टर बिटिया पहले से ही सेमिनार हॉल में मरी पड़ी थी। फिर मैं वहां से बाहर आ गया और अपने रूम में जाकर के सो गया। हालांकि यह पूरा सच नहीं था, लेकिन जो पूरा सच निकलकर सामने आया उसे सीबीआई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वह इतना ज्यादा खौफनाक है। दरअसल सीबीआई ने जब संजय रॉय के बयान के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष को उठाया और उसे थर्ड डिग्री देने के बाद जब उससे पूछा, तो संजय घोष ने जो बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया और जो उस लैपटॉप के बारे में बताया, उसे सुनना आप सभी के लिए जरूरी है। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने यह बात बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है यह पहली बार नहीं हुआ है। मतलब इस डॉक्टर बिटिया के पहले भी कई डॉक्टर बिटियां वहां पर ऐसे ही शिकार हुई हैं। यहां तक सिर्फ डॉक्टर बिटिया ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे डॉक्टर लड़के भी वहां मौजूद थे जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया, कुछ लोगों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज को छोड़कर दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा लिया, तो कुछ लोग अपने मुंह को बंद कर लिए। यहां तक कि खुलासा यह भी हुआ, संदीप घोष और संजय रॉय दोनों के बयानों से यह साफ साबित होता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी पुराने कुक थे, कई कुक तो अपना काम छोड़कर चले गए। सफाई वालों ने अपना काम छोड़ दिया, यहां तक कि बहुत सारे क्लर्क वालों ने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया था। इतना खौफनाक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक खबर के मुताबिक पता यह चला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर यह धंधे का जो काम है, यह आज से नहीं बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है। जब से प्रिंसिपल संदीप घोष उसमें प्रिंसिपल बनकर गए थे, तभी से यह मामला बहुत ज्यादा लाइट में आ गया था। वहां पर यह भी बताया गया कि जो डेड बॉडी आती थी, उस डेड बॉडी के साथ भी ऐसा घिनौना काम किया जाता था। तो आप लोग खुद ही अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब जो इंसान डेड बॉडी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है, क्या वह उस डॉक्टर बिटिया को छोड़ा होगा जो आज माफी की गुहार लगा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ऐसे दरिंदे को किसी भी कीमत पर माफी दी जानी चाहिए या नहीं। अपनी राय कट करें। दरअसल बता दें कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम लिया था, तभी से सीबीआई उसके सभी राज को खंगालने लगी थी। सीबीआई को पता था कि बहुत सारे लोग घुस करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिए हैं, तो वहां से कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन एक बहुत पुराना लैपटॉप मिल गया जो प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर केबिन में छुपा कर रखा गया था। जब वह लैपटॉप मिला तो उस लैपटॉप ने खुलासा किया कि दरअसल उसमें लगभग 800 ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसे देख करके किसी भी इंसान की आत्मा कांप उठेगी। उस 800 वीडियो की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। लैपटॉप को जब स्कैन किया गया तो उसमें पाया गया कि उसमें लगभग 800 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं। सभी वीडियो 30 मिनट, 25 मिनट या 10 मिनट के हैं। कुछ कुछ वीडियो डेढ़ डेढ़ घंटे के भी पड़े हुए हैं। तो वही कुछ ऐसे 10-12 वीडियो मिले जो लगभग 6-6 घंटे के हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि 10 मिनट से 6 घंटे तक की वीडियो में क्या कहानी है। दरअसल जो 10 मिनट के वीडियो हैं, वह जबरदस्ती किए गए कांड के वीडियो हैं या पर्सनल यूज के लिए किए गए कांड के वीडियो हैं।
लेकिन जो 6-6 घंटे के वीडियो हैं, वह दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर पोर्न मूवी शूट किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी मूवी को शूट किया गया था। इस मूवी को शूट करने के बाद वहां पर जितने भी फुटेज होते थे सब इसी लैपटॉप में रखे जाते थे, और जब यह लैपटॉप सीबीआई के हाथ लगा तो एक बात क्लियर हो गई है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को भी अब फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि कई सारी ट्रेनी डॉक्टरों को वहां पर बुलाया जाता था, उनके साथ जबरदस्ती किया जाता था। अगर वह नहीं मानती थी, अगर वह बात को नहीं मानती थी या विरोध करती थी, तो बाद में पता चलता था कि दवा के ओवरडोज से वह मर गई या फिर सुसाइड कर लिया या फिर लापता हो गई। यह सभी सबूत उस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। यही नहीं, एक बहुत बड़ी जानकारी और मिली है जिसे सुनने के बाद हर इंसान आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। वह यह है कि उस लैपटॉप के अंदर कई सारे लड़कों के ऐसे वीडियो मिले हैं जिनके साथ घिनौना काम किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, लड़कों के साथ घिनौना काम किया गया है। उसमें से कई लड़कों ने अपने शरीर को त्याग दिया, कई लड़कों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज को त्याग दिया, और कई लड़के आज भी सदमे में हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे सुनने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। और वह ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का पेशेंट वहां पर डेट करता था, तो उसके पेशेंट के अंदर मौजूद तमाम प्रकार के अंग जो काम में आते थे उन्हें निकाल कर सप्लाई कर दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह होता कैसे था। दरअसल यह होता यूं था कि जैसे मान लो कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं, उसके अंदर ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि देखिए इनका बचना मुश्किल है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक फ्री सर्जरी दी जा रही है, आप ये सर्जरी करवा लो, अगर ये जिंदा बचते हैं तो ही आपको पैसा देना है, नहीं बचेंगे तो नहीं देना। ये कह करके उस डेड बॉडी के अंदर से उन सभी प्रकार के अंगों को निकाल लिया जाता था जिसकी तस्करी की जा सके। इसके बाद कई सारी औरतों की बॉडी जो ताजा ताजा वहां पर पहुंची रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी पहुंचती क्यों है। दरअसल बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि एक मेडिकल कॉलेज भी था जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो जब वहां पे डेड बॉडी की जरूरत होती थी तो जितने भी लावारिस डेड बॉडी जिसमें कभी पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो वह हॉस्पिटल में दे दिए जाते हैं ताकि उससे बच्चे कुछ सीख सके। तो ऐसे डेड बॉडी जो ताजा होते थे उनके साथ घिनौना काम करके वीडियो बना करके उनके अंगों को बेचा जाता था। जो लड़कियां नहीं मानती थीं कि हम आपके साथ गलत काम करेंगे, उन लड़कियों के फोटो को एडिट करके ऐसा घिनौना काम किया जाता था कि वह लड़कियां या तो कॉलेज छोड़ देती थीं या फिर उनके साथ मिल जाती थीं। इतने घिनौने काम करने के बाद पता यह चला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए उस घिनौने काम में लगभग 6 लोग शामिल थे। बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस बात का इशारा किया है कि जिस बड़े नेता के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर मैं उस नेता का नाम ले लूं तो शायद पूरी की पूरी सीबीआई का ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हमें ना छेड़ा जाए। लेकिन सीबीआई को सीधे प्रधानमंत्री से आदेश मिला है कि कोई भी अगर इसमें आए या फिर किसी का भी नाम आए तो उसके खिलाफ एफआईआर करने से एक कदम भी पीछे मत हटना और उसे तुरंत उठा लेना। सीबीआई ने संजय राय और संदीप घोष के ऊपर दबाव डालकर उन बड़े नेताओं के नाम निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को आज रात 9 बजे सीबीआई के रिमांड रूम में ले जाया जाएगा और इसके बाद वहां उनसे बहुत बड़ी जानकारी निकाली जाएगी। बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय रॉय ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया है कि दरअसल बिटिया रानी के साथ एक दो नहीं बल्कि कई लोगों ने किया था। यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी घटनाओं के बाद आपने सुना होगा कि 150 मिलीग्राम वहां पर सीमन मिला था। बाद में पता चला कि वह 150 मिलीग्राम नहीं बल्कि बहुत कम था, बाकी के बॉडी फ्लड थे। लेकिन बाद में इस बात की गहनता से जांच की जा रही है कि क्या सच में 150 एमजी वहां पर मिला था, क्योंकि इन सभी घटनाओं में एक लोग का नाम आ ही नहीं रहा है। किसी एक लड़की को एक बंदा इतनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा ही नहीं पाता, आखिर उसके पैरों को 90 डिग्री तोड़ देना, आंखों में चश्मा मार देना, आंख के अंदर चश्मा चला जाना और उस आंख से शीशे को बाहर निकालने से पहले ही उसे रोक देना और उसकी मृत्यु हो जाना, यह सब कोई आम बात नहीं होती। एक शरीर के अंदर से जान निकलने में बहुत समय लगता है और उसके पहले शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा रहती है उन सभी ऊर्जा को मिलाकर वो ताकत निकाली जाती है अपने आप को बचाने के लिए, जो जीवन में पहले कभी नहीं निकली होती। तो इतना आसान नहीं होता किसी की जान लेना।
अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संदीप घोष और संजय रॉय के द्वारा जिन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या उन बड़े नेताओं को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए या अभी उनके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करना चाहिए? जब आज रात प्रिंसिपल संदीप घोष को रिमांड रूम में लिया जाएगा तो उनसे क्या चीजें निकल कर आएंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं आपको प्रिंसिपल संदीप घोष के द्वारा बताए गए उन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आने वाले समय में इस केस को मोड़कर रख